हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है जी सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, आप सबका स्वागत है अपने एक और न्यू ब्लॉग में। और मैं यहाँ किचन में लग रही हूँ, आज कुछ अपना देसी खाना बना रही हूँ। गाजर का रायता और हींग जीरा भून लिया है, तो रायता तैयार हो गया है मेरा। अब मैं और आगे खाने में क्या बना रही हूँ आप खुद देखना और पूरा देखना जी ब्लॉग को लास्ट तक प्लीज। जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग को आगे देखने से पहले लाइक कर लेना। अब ये मैंने जी कढ़ी घोल कर तैयार कर ली है और ये मैं इसमें पकौड़ी तलूंगी। पहले इसी कढ़ाई में मैं पकौड़ी तल के अलग रख लूंगी उनको और फिर मैं कढ़ी छोक दूंगी। और अब मैं काट रही हूँ प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन में छोकूंगी। खेल के आए हो आप? कढ़ी चावल बना दूं आज मक्के की रोटी के साथ, क्या खाओगे बताओ? चावल भी बना दूंगी। भाई तो कह रहा मक्की की रोटी बना दो मम्मी। अब इसको चाहिए जी कढ़ी चावल, वंश को चाहिए मक्का की रोटी और कढ़ी, और भाई इनके पापा जी को चाहिए बाजरे की रोटी। एक जान कितनी परेशान बताओ। तीन आदमी हैं ये घर में, मेंबर हैं, तीनों की अलग अलग फरमाइश। सर मेरी किसी ने पूछी नहीं मैं क्या खाऊंगी। मैंने उतार लिए हैं सारे डिब्बे, इसमें देखो आप सारे मसाले इसमें मिक्स है। और ये लौंग का डब्बा है, इसमें लौंग है, इसमें इलायची है और जी इसमें तेज पत्ता है, तो तेज पत्ता भी डालती हूँ मैं क्योंकि सर्दी है ना, तो गर्म चीज डालनी चाहिए। और पहले मैं उतार लेती हूँ पकौड़ी, और ये मैंने छौंक के कर दी है तैयारी। हरी मिर्च ले ली है, बीच में से कट कर ली है हरी मिर्च को, लहसुन प्याज सब काट लिया है और ये डिब्बे उतार लिया क्योंकि फिर बार बार ना ऊपर चढ़ना पड़ता, तो पहले ही उतार लिए। लहसुन होता है लहसुन होता है, कोई लहसुन बोलता कोई लहसुन बोलता अपनी अपनी लैंग्वेज। और वीर जी मैं पकौड़िया बना रही हूँ कढ़ी के लिए, और वीर अपने चक्कर में खड़ा है, इसको पता है दो चार पकौड़ी तो मेरे को मिलेगी। देख लो जब भी मैं कभी कढ़ी बनाती हूँ ना ये पकौड़ी जरूर खाता है, स्कूल में जाता है तो भी मैं इसके लिए रखती हूँ। गाइस मुझे पहले ही महक आ जाती है कि क्या बन रहा है। चावल की भी आ जाती है जी, इसको बच्चे नहीं करते ये काम, बताओ चलो छीट लग जाएगी ना। जब हम छोटे थे मेरी मम्मी ये कह करती कढ़ाई के पास मत आओ गाड़े सिर, तेल ज्यादा जल जाएगा। हाँ मैं ऐसे ही बहक आ देती कि जो उगाड़े सिर कढ़ाई के पास आता तेल ज्यादा लगता है बेटा, तो कढ़ाई के पास नहीं आना चाहिए। आप अभी उगाड़े सिर आ रहे हो, आजकल के बच्चे बहकावे में नहीं आवे है ना। अब पकौड़े बना ली है जी, अब मैं छोंक दूं कढ़ी। अब मैं इसमें सबसे पहले तेल तो देखो गर्म था ही, तो मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी मेथी। ये मैंने मेथी ली है और मेथी के साथ मैं थोड़ी सी दालचीनी और तेज पत्ता, पिसा हुआ मसाला हो तो आप वो भी डाल दो, लेकिन मैं इनको बाद में ये निकल जाते हैं बस खुशबू रह जाती है इसलिए मैं ये डालती हूँ। और काली मिर्च है चार पांच और जी हरी मिर्च। और अब ये होने के बाद डाल दूंगी लहसुन, तो लहसुन डाल दिया है। कोई खाता है कढ़ी में, कोई नहीं खाता, हरी सब्जी में तो ज्यादातर सभी खाते हैं, लेकिन मैं कढ़ी में भी डाल देती हूँ और हींग भी डालती हूँ। हींग तो मैं ज्यादातर सभी सब्जियों में डालती हूँ, दाल में भी बहुत अच्छा लगता है हींग। और जी फिर मैं उसके बाद डाल रही हूँ प्याज, ये देखिए सभी चीज डाल दी है, तो अभी और तो सब भुन गई है, प्याज रह रही है। और जी मक्का के लिए मैंने आटा ले लिया है, मक्का की रोटी बनाऊंगी। नमक डाल दिया है इसमें, अभी तो ऊपर ही हो रहा है, मिक्स भी नहीं करा। और अभी ये कढ़ी डालने से पहले गैस को कर देते हैं मंदी, क्योंकि छाए है ना कढ़ी में तो फट जाती है छाए, तो जी मंदी गैस करके और फिर इसको चलाते रहना है थोड़ी देर, इतना अच्छे से खदका नहीं लग जाता ना, इतना चलाते रहना है कढ़ी। और ये लगा लिया है जी मैंने मक्के का आटा, एकदम बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है, रोटियां बहुत ही अच्छी आएंगी। और कढ़ी भी मेरी खदक गई है तो मैं एक बार और चला देती हूँ इसको, अब गैस को मंदा कर दिया है ना। मैं मक्का की रोटी टूट जाती है, कम बनती है, बाजरे की तो बना लेती हूँ और मक्का की बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी आती है और किनारे टूट जाते हैं, तो पहले थोड़ी सी हाथ से ही बढ़ा लेती हूँ उसको इतनी सारी, फिर किनारे नहीं टूट पाते हैं ना। तो और वैसे अगर आपसे नहीं बने जैसे जिस तरीके, तो भाई हर किसी को नहीं आती है,
तो उसमें थोड़ा सा ना गेहूं का आटा मिक्स कर लेना, फिर बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि बाजरे की रोटी जब भी बन जाती है मक्का तो अलग अलग टूट कर पड़ता है। देखो मैं कितना धीरे धीरे बना रही हूँ, फिर भी ऐसे लग रही है जैसे टूट जाएगी। तो हल्का सा जब आप बाद उसका गेहूं का आटा मिक्स करोगे ना तो फिर नहीं टूटेगी। हल्की देखो कैसी बनी है। तेल का या घी का हाथ जरूर लगाती हूँ मैं इसमें। तिल का तेल हो या मूंगफली का तेल हो, कोई भी तेल आप यूज करते हो तो या तो उसका हाथ लगाओ या फिर घी का हाथ लगाओ। और देखो आप ऐसे ना घी के हाथ से एकदम सॉफ्ट चिकनी चिकनी रोटी आती है, तो फटी फटी नहीं आती, एकदम आराम से दिखा रही हूँ मैं आपको। ये डाल दी और ये ऐसी अब मैं इसको गैस पे सेक दूंगी, थोड़ी सी खुली एक साइड से। इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं सच बताऊँ आपको, लेकिन भाई ये है कि अपना गुजारा कर लेती हूँ। ये रोटी तो मेरी फूल गई है जी, देखो फूल गई है, और ये भी फूल जाएगी कल जब भाई को दिया पहले पहले। बस हो गई है जी बन के तैयार कढ़ी। अभी मंदी सी गैस है हल्की सी एक दो मिनट के लिए, और ये मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। तो जी खाना खा लो मक्खन के साथ, मक्का की रोटी और कढ़ी है पकौड़ी वाली और गाजर का रायता। अब रोटी खा ली है जी, पेट भर के कतेनू मजे आ गए हैं। सही कही है किसी ने, देसी खाने की ओढ़ ना हो सकती। अपने हरियाणा वाले दूध दही बना नहीं रह सकते, ये सच्चाई है। दूध छाए जरूर चाहिए, और आज तो पी है जी मेरा भर के कटोरा छाए, और छाए पीते ये लगा लो नींद आनी चालू होगी है, और एक रोटी ज़्यादा खाई है। तो अब मैंने ले लिया है कंबल, और मैं कंबल में सोऊंगी। अब 2 बज गए हैं, अब उठूंगी 4 बजे, 2 घंटे जगाइयो मत भाई मैंने कोई, अब 2 घंटे तक कोई नहीं बोलेगा। तो जी व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, लाइक कर देना सभी जो भी चैनल पर नए हैं जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा शेयर करना। कमेंट करके बताना जी आज कैसी बनाई मैंने मक्का की रोटी। तो आज के लिए था इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम जी सभी को।